बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय बाबा राम सापीर, जय बाबा रामदेव। देखिए, हम हैं यात्रा दर्शन के दौरान आज पांच पीपली एका गांव जिला जैसलमेर। जी हाँ, आज ऐसा पौराणिक स्थल आपको दिखाने जा रहे हैं जो हर सेवक के लिए देखने योग्य स्थान है। और यहाँ पर जिस तरह से एक कहानी है कि बाबा राम सापीर जब यहाँ पर रहते थे तो उनसे मक्का मदीना से पांच पीर आए और उन्होंने कहा कि हम भोजन करेंगे, और बाबा राम सापीर ने उन्होंने उनको भोजन करवाया था। ये वही स्थल है, आगे की कहानी हम आगे बताते रहेंगे। इसे कहते हैं पांच पीपली जिला जैसलमेर। और हमारे साथ हैं भाई शरवण जी, जो कि राम रसोड़ा सीकर वालों में बहुत ही सेवा का काम करते हैं। हमारा सौभाग्य आज हम यहीं पर आए हुए हैं और पांच पीपली दिखाने के लिए हमें लेकर के आए हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है आपका। तो आइए, यहाँ की महिमा और यहाँ के परिदृश्य दिखाते हैं आपको, और बाबा ने यहाँ पर क्या क्या किया था, क्या क्या चमत्कार दिखाए, वो सब आपको दिखाते हैं। ये देखिए मुख्य सड़क, जिधर से होके आना पड़ता है इन पांच पीपलियों के लिए। ये पौराणिक स्थल है पांच पीपली, आप देख पा रहे हैं। हम धीरे धीरे पांच पीपली, ये यहाँ पर एक मंदिर भी है, वह उस ओर हम प्रस्थान करते जा रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं, और क्यों ना हो, तपोभूमियों का सुंदर नज़ारा होता है, एकांत वातावरण होता है। और यहाँ पर जो तपस्या की थी ऋषि मुनियों ने, और जो बाबा यहाँ पर राम सापीर रहते थे, और राम सापीर ने यहाँ पर जो पर्चे दिए थे, बिल्कुल बहुत ही सुंदर जगह। और इसी के साथ आप देख पाएंगे ये एक यहाँ पर इसको नाडी बोलते हैं, तालाब है, यह है निकलग नाडा। जी हाँ, कहावत के अनुसार यहाँ के लोकल जो रहते हैं उनके अनुसार ये बाबा राम सापीर के द्वारा, शम के द्वारा खोदा गया था, और यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं, भक्तजन आते हैं। जब अभी पानी कम है, लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, बड़ी दूर दूर तक ये भर जाता है। तो आप देख रहे हैं निकलग नाडा, मुख्य सड़क से जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे यह है डाली बाईसा का मंदिर। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं डाली बाईसा के मंदिर के। ये देखिए पेड़, और यहाँ पर धजा ही धजा लग रही है, ये पताका ही पताका लग रही है। आप देख पा रहे हैं यह है डाली बाई का मंदिर, आइए कीजिए दर्शन। बाबा रामदेव जी, बाबा राम साहब पीर की परम भक्त डाली भाई, आप दर्शन कर रहे हैं डाली भाई के। जय बाबा रामदेव, जय डाली भाई। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये हिंडोला भी है हवा के लिए, जिसे हम चला रहे हैं। और आते हैं जो भक्तजन यहाँ पर ये हिंडोलों के अवश्य चलाते हैं, पंखा कहें, हिंडोला कहें, ये यहाँ की भाषा में क्या कहें ये हमें पता नहीं, लेकिन ये देख पा रहे हैं आप, ये है डाली बाई जी का मंदिर, जो मुख्य सड़क से प्रवेश करते ही प्रारंभ में ही है। तो कि आपने डाली बाई के मंदिर के दर्शन, और धीरे धीरे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, ये है पांच पीपली एका जिला जैसलमेर। ये देखिए यहाँ पर दुकानें लग रही हैं, प्रसाद की दुकानें, आप देख पा रहे हैं राजपूताना किराना स्टोर एंड प्रसाद भंडार। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और वैसे भी भक्तजन जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो यहाँ से अपने आवश्यक सामान एवं प्रसाद लेते हैं। जय बाबा री, भाई शरवण जी को कहा का आप आराम कीजिए, और ये शरवण जी आराम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए ये यहाँ पर एक भाई साहब है, आइए परिचय लेते हैं इनका भी। जी आदरणीय भाई साहब, जय बाबा री, जय बाबा जी। भाई साहब शुभ नाम आपका? दिलावर सिंह। दिलावर सिंह जी, तो यहाँ पर ये दुकान आप चलाते हैं? जी है, मैं चलाता हूँ। तो यहाँ पर यात्री हमेशा आते रहते हैं या कोई विशेष अवसर पर आते हैं? बादवा और सावन में तो भीड़ रहती है, नौरता में भीड़ रहती है, और आते रहते हैं। जैसे ये रामदरा आते हैं तो उसमें 25% लोग यहाँ आते हैं, पांच पीपली भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए आपको अंदर मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए तीर्थ स्थल,
और तीर्थ श्री पांच पिपली, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है तीर्थ पांच पिपली। और हम धीरे धीरे परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए बाबा रामदेव सेवा संस्थान पांच पिपली, और ये यहाँ पे बंधु बैठे, बंधु जय बाबा ही। तो बंधु आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए रसीद बुक देते हैं, लेकर मंदिर का काम कराते हैं। तो मंदिर का काम, मंदिर में नई नई चीज़ों की जो सुविधा देना, उन सब के लिए आप यहाँ पर ये रसीद लेकर के बैठे हैं। जो भी भक्त जन आते हैं वो सहयोग राशि जमा करा के रसीद ले सकते हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम नथाराम जी। नथाराम जी हैं, और ये देखिए प्रवेश द्वार पे बैठे हैं। और जो भी कोई सहयोग करना चाहे तो यहाँ आकर के सहयोग कर सकता है। इसमें निर्माण कार्य, प्रगति, उन्नति और उत्थान के लिए ये यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं वो सहयोग देते हैं, तो उनका सहयोग लेते हैं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धीरे धीरे हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए वही नाड़ी, जी हाँ यही तालाब जो हम बाहर से दिखा रहे थे ये आगे तक फैला हुआ है। और बाबा रामदेव जी स्वयं ने अपने हाथों से इसकी खुदाई की थी, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही गहरा ये तालाब। और यहाँ पर ये देखिए फर्श, बाकायदा यहाँ पर फर्श बिछाई हुई है, और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन आते हैं। और ये देखिए भक्त ही आ रहे हैं, जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी। ये देखिए भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं। जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये देख पा रहे हैं ये मुख्य मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है सीढ़ियाँ, और उसी के साथ देखिए ये वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष, यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल छाया है, और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य हम कह सकते हैं। जी हाँ, हमने कहा कि तपोभूमियाँ और यात्रा दर्शन के दौरान हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो सनातन से संबंधित चीज़ें हैं और जो पौराणिक चीज़ें हैं उनके दर्शन आपको घर बैठे कराएँ। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, साथ जय बाबा की। निरंतर यहाँ पे यात्री आते रहते हैं, और भादवे में तो बहुत ही यात्री आते हैं यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं पंच पीपली, ये है पंच पीपली, ये लिखा है पंच पीपली, और आप देख रहे हैं यहाँ भी ध्वजाएं लग रही हैं और मन्नत के धागे भी लग रहे हैं। जो भी भक्तजन आते हैं अपनी मन्नत लेकर के, तो यहाँ पर धागे बांध जाते हैं, और जैसे ही उनकी मन्नत पूरी होती है तो पुनः आकर के यहाँ पर बाबा को प्रणाम करते हैं, और ये धागे जो वो बांध के जाते हैं उनको खोलते भी हैं। ऐसी एक परिपाटी है यहाँ पर। तो आप कर रहे हैं पंच पीपली के दर्शन। जय बाबा राम सपीर, जय बाबा रामदेव। ये विशाल है पंच पीपली, पंच पीपली एका। ये देखिए ये भक्त आए हैं, और ये देखिए यहाँ पर अपने श्रद्धा का ये धागा और इसी के साथ ये चुन्नी लगाते हैं। जय बाबा की, जय बाबा की। ये देखिए लगातार यहाँ पर भक्त जन आ रहे हैं। बोल राम सा पीर की, जय बाबा री, जय बाबा री। देखिए जे लगातार यहाँ पर देखिए भक्तजन आते रहते हैं, और बाबा के दर्शन करने के लिए क्यों ना आए। बाबा सभी की मनोकामना जो पूरी करते हैं। ये देखिए माता बहनें, बाल गोपाल, और यहाँ पर सभी, अभी आपने देखा था कि वरिष्ठजन यहाँ पर सभी आते हैं, और बाबा इनकी मनोकामना को करते हैं पूरी। बोल राम सा पीरे की, जय बाबारी, जय बाबारी। आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं बाबा के इस दरबार में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए एक समाधि आपको दिखा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप, और पीर की इनको उपाधि दी गई थी, बाबा रामसा पीर, बाबा रामसा पीर इनको उपाधि दी गई थी पांचों पीरों द्वारा, जो हम कह रहे थे कि मक्का से यहाँ पर आए थे। और ये देख पा रहे हैं आप ये समाधि, जय बाबा राम सा पीर, जय बाबा राम सा पीर। ये देखिए पांचों पीरों को भी इसमें दर्शाया गया है, जय बाबा राम सा पीर। बहुत मान्यता है यहाँ की,
चारों तरफ आप देख पा रहे हैं है जंगल, लेकिन कहते हैं कि जंगल में मंगल। ये बाबा का दरबार बहुत ही सुंदर है, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए माता बहने सभी यहाँ दर्शन को आती हैं। अब देखिए आपको पंचपीपली एकाकी बाबा रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर बना हुआ है उसके हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। जय बाबा राम सपीर, जय बाबा राम सपीर, जय बाबा राम सपीर, जय बाबा राम सपीर। ये देखिए बाबा रामदेव जी का ये मुख्य मंदिर पंचपीपली एका पर, तो आइए करते हैं दर्शन। जय बाबा री, जय बाबा री। आइए पहले दर्शन कर लीजिए, फिर पुजारी जी से आपका परिचय करवाते हैं। जय बाबा राम सपीर, बाबा राम सपीर और नितल जी, जी हाँ जोड़े के साथ में। देखिए यहाँ पर ये मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर और सुंदर, इनकी ये प्रतिमा साक्षात आशीर्वाद की मुद्रा में। जय बाबा राम सपीर, जय बाबा राम सपीर। आप देखें साइड में हरजी भाटी चमन ढुला रहे हैं और आप हैं डाला भाई। डाला भाई भी परम भक्त हैं, बाबा रामदेव के परम भक्त रही हैं। जय बाबा राम सपीर। और ये दीपक देखिए हमेशा यहाँ पर जलता रहता है। तो आपने ये दर्शन किए बाबा रामदेव और नेतल जी के। जय बाबा राम सपीर जी। पुजारी जी जय बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी नगेंद्रपुरी जी गोस्वामी जी। ये मंदिर पुराना मंदिर है तो पंच पीपली पर बहुत सारे भक्त जन आते हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा है और सुना है कि यहीं पर वो पांच पीरों को जो पर्चा दिया गया था तो यही पंच पीपली है। जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और आज के आपके दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जय बाबा री, जय बाबा री। एक बार फिर से कीजिए बाबा के दर्शन। जय बाबा री। ये देखिए भक्तजन यहाँ पर आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। जय बाबा री, जय बोले राम सा पीर की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बहुत मान्यता है, जय जय बाबा राम सा पीर। देखिए बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं ये माता बहने और बाल गोपाल, ये परिक्रमा करके आए हैं बाबा की। जय बाबा की, जय बाबा की, जय राम सपीर, जय राम सपीर। ये देखिए परिक्रमा, जैसा हमने बताया लगातार यहाँ पे परिक्रमा कर रही है बाबा के इस मंदिर की, और दर्शन किए सभी ने। और ये पुजारी जी, जय बाबा की, जय बाबा की। तो आपने बाबा रामदेव जी के दर्शन किए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर और सामने बना हुआ है बाबा राम सपीर का, आइए आपको उसके भी कराते हैं दर्शन। जय बाबा जी। निरंतर माता बहने यहाँ पे बाल गोपाल युवक युवतियाँ वरिष्ठ जन आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं बाबा। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आइए दिखाते हैं आपको एक और मंदिर है यहाँ बाबा राम सपीर का। वो आपने देखा पुराना मंदिर था, और अभी आप देख पा रहे हैं ये एक और मंदिर बना है, तो आइए इसके भी करवाते हैं आपको दर्शन। जय बाबा की, बोल बाबा रामदेव की जय हो, जय हो, जय बाबा, जय बाबा राम सपीर, जय बाबा। ये देखिए दर्शन करके आ रहे हैं माता बहने। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आइए आपको करवाते हैं बाबा राम सपीर के दर्शन। सर्वप्रथम बाबा राम सपीर के दर्शन कीजिए, और यहाँ भी विराजमान हैं पुजारी जी, आपको अभी परिचय करवाएंगे। जय बाबा राम सपीर, जय बाबा राम सपीर। आप दर्शन कर पा रहे हैं बाबा राम सपीर के। जय बाबा रामदेव, जय बाबा राम सपीर। जी हाँ, अभी आपने मुख्य मंदिर देखा था, उसी के बिल्कुल सामने ये बाबा रामदेव जी का मंदिर। ये वही ज्योत, और यहाँ पर ज्योत जलती हुई पंच पीपली एका पर स्थित है ये बाबा रामदेव जी का मंदिर। ये देखिए चरणामृत ग्रहण करते हैं, और आइए पुजारी जी से मिलते हैं। पुजारी जी जय बाबा जी। जी पुजारी जी, आपका शुभ नाम जी? जबर जी नाम है आपका, और कितने समय से कर रहे हैं यहाँ पे पूजा आप? 30-35 साल से। पहले आपके पूर्वज यहाँ पे करते थे पूजा जी? बहुत अच्छा, बाबा के दरबार में हमारा सौभाग्य जो आज हम भी बाबा के यहाँ पे दर्शन करने आए। जय बाबा, जय बाबा। ये देखिए बाबा राम साहब पीर और नेतल दे जी, और साथ में है हरजी भाटी जो चंवर ढुला रहे हैं, और लाछा बाई, सुगना बाई
और ये भाणेज, तो इसी मंदिर परिसर में ये मूर्ति भी है और दर्शन कर रहे हैं आप प्रभु के। जय बाबा राम सापीर, जय बाबा रामदेव। भक्त जन आते हैं बड़ी दूर दूर से, जैसा कि हमने कहा और आपने देखा भी। जय बाबा राम सापीर, ये दर्शन कीजिए आप। जो यहाँ पे पुराना धूना है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये पुराना धूने के, ये धूना है पुराना। जय बाबा राम सापीर, तो आपने किए धूने के दर्शन। और इसी के साथ हम ये पुजारी जी को लेते हैं हमारे साथ। पुजारी जी, जरा हमें बताइए आगे के बारे में, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। तो ये पुजारी जी यहाँ के हमारे साथ हैं जी। पुजारी जी, ये क्या 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 है ये? ये क्या है? केशवगढ़ जी की समाधि है, समाधि ऊपर जी। आपने बताया ये भोलेनाथ का मंदिर है, तो करते हैं दर्शन। आइए, ये भोलेनाथ के दर्शन। और पुजारी जी कुछ और भी बता रहे थे इसके बारे में, पहले एक दफा आपको दर्शन करवा देते हैं, तत्पश्चात उनसे पूछते हैं कि और यहाँ की क्या विशेषता है, क्या है ये। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। जी आप क्या बता रहे थे भोलेनाथ के मंदिर के बारे में? जो मंदिर है जी, केशवगढ़ जी का मठ है ये मंदिर, जो समाधि है केशवगढ़ जी की, इसमें ऊपर शिवलिंग लगी हुई और भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, पुजारी जी ने जैसे बताया कि ये केशवगिरी जी की समाधि है और यहाँ पर ये शिव मंदिर बना हुआ है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबारी, जय बाबारी। आइए यहाँ के परिसर के जो बाहरी दृश्य है वो थोड़ा और दिखा देते हैं। बहुत मन प्रफुल्लित हुआ यहाँ आकर के। और ये पंचपीपली ये देख पा रहे हैं, ये बाहरी परिसर का बाहरी, चारों तरफ जंगल है और ये बीच में बसा हुआ पंचपीपली, एका पंचपीपली। और ये बाबा का दरबार, अभी आपने दर्शन किए। लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भक्तजन आते जा रहे हैं दर्शनों के लिए। क्यों ना आए बाबा, सभी की मनोकामना जो पूरी करते हैं। बोल बाबा राम सा पीरे की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बोले रोनी जा साम की जय हो। तो इस तरह से आपने दर्शन किए पंचपीपली के। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर स्थल है और पौराणिक है। और इसी के साथ साथ में ये तपोभूमि। जी हाँ, बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो आपने देखा ये पौराणिक स्थल पंचपीपली एका, जो कि जिला जैसलमेर में है। और यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे कि पांच पीरों ने एक बाबा से कहा, यहाँ पे पांचों पीर आए थे तो बाबा से कहा कि हम भोजन करेंगे, तो बाबा ने कहा बिल्कुल प्रसादी पाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मक्का मदीना में हमारे जो कटोरे जिनमें हम भोजन करते हैं वो छोड़ करके आ गए, आप वहाँ से हमारे जब कटोरे यदि मंगा करके दे सकते हो तभी हम भोजन करेंगे। तो इस पंच पीपली पे बाबा ने ये पर्चा दिया था और इन पांचों पीरों को यहाँ पर उनके कटोरे मंगवा दिए थे और उन्हीं में उनको भोजन कराया था, इसलिए इसे कहते हैं पंचपीपली। तो देखे आपने दर्शन किए इस पौराणिक स्थल के। और ये तपोभूमि, जी हाँ, भारतीय जगह जगह पर तपोभूमियाँ हैं, बस शर्त इतनी है कि वहाँ तक हर आदमी पहुँच नहीं पाता। हमारा एक उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ भी हम जाएं वहाँ वहाँ के आपको दर्शन कराते रहें, सनातन के बारे में जो कुछ हमें पता है वो बताते रहें। मैं हूँ आपका पूर्णमल पारिक, जी हाँ, मैं भूल नहीं सकता। साथ ही है हमारे भाई सरवण जी, यही ला करके हमें दिखा रहे हैं। और आप हैं भाई साहब दिलावर सिंह जी, जो यहीं पर दुकान भी कर रखी है, साथ ही साथ इनकी जो समिति है वहाँ पर सेवाएं भी देते हैं। बोल बाबा राम साहब पीरे की। मैं आपका पूर्णमल पारिक जवान भाई, जी हाँ बंधु, और कोई पौराणिक स्थल मिला मुझे तो आपको दर्शन कराऊंगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबारी।